सो हाई गाइज वेरी जब दिस इज योर डाउनी लाइट पलक है एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सोचा कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ जाए, क्यों करें। मतलब एक तो ना सुबह से थोड़ा माहौल हमारा ख़राब था, सुबह उठते ही हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ वगैरह देख ली। ये कॉलेज का ही सीन है, हमारे कॉलेज का नहीं है, हम लोग तो दूसरे कॉलेज में। ये आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कुछ, ये सी यू में कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चला हुआ है, वीडियोज़ वगैरह वायरल हो, तो उस वजह से हम लोग बहुत आज मूड थोड़ा ख़राब सा था कि ये सब हो रहा है, सुसाइड वगैरह ये सब। मैं आपको बताती हूँ इस चीज़ के बारे में और आगे वीडियो में बने रहिए। फ़िलहाल के लिए अभी टाइम हो रहा है सुबह या फिर दोपहर के 12 और हम लोग अभी बस उठे हैं, लेट हो गए थे कल रात को भी एडिटिंग वगैरह के चक्कर में लेट हो गए, तो अभी उठे और अब जाएंगे, थोड़ा तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, बाहर सैलून जाना है और लंच वगैरह भी करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे और आपको बताती हूँ मैं क्या क्या सीन चल रहा है। ये देखो ये मेरा दोस्त है, हाय दोस्त। रात को इसकी लाइट भी जल जाती है। और ये है ताशु लेटी हुई यहाँ पे, और ये रही ईशानी जिसने फेस में मास्क लगाया तो अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है। और ये हमारे कमरे की गंदगी, चारों पास से गंद पे आ, मेरा की कसूर। चलो चलते हैं। पलक ने अपना चैनल अब मुझे दे दिया है, सो अब ब्लॉगिंग मैक ब्लॉग्स पहले भी देखे होंगे हाँ देखे हैं, ऑब्वियसली देखे हैं, तो उसमें मैं अभी थी 2-3 बार। तो अभी ना मैं और ताशु जा रहे हैं सैलून क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह करनी थी, और फिर हमने सोचा पहले सैलून जाते हैं फिर उसके अच्छे से एक बार नहा लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और ये बोल रही है कि मुझे नहीं आना है, फेस मास्क लगा के बैठी है, तुम लोग जाके आओ तब तक मैं पूरा कमरा साफ़ कर दूँगी। मतलब आपको दिख ही रहा होगा कितनी गंदगी है, ये साफ़ कर देगी, पर हमें इसकी काबिलियत पर शक है। क्यों? बहुत ज़्यादा बिल्कुल शक है हमें, ये नहीं करेगी। करेगी क्या? देखेंगे हम लोग। अब तो हमारे साथ साथ ये हमारी YouTube फैमिली भी देख रही कि तू कितना काम करती है। ठीक है बाय, सारा काम करके रख। छोड़े बच्चे हो क्या, चीनी उड़ा दिया था अभी मुझे। और हम दोनों ओए शक्ल का, और हम दोनों सेम लॉलीपॉप। वहां कहां जा रही है? वहां नहीं जाना है, उधर जाना है। लंबे रास्ते से ले जा रही लड़की, अरे उधर वाले जाना है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए सैलून, अभी 2 मिनट की वेटिंग है, उसके बाद जा रही हूँ मैं थ्रेडिंग कराऊंगी और बस इतना ही, उसके बाद आपको आगे की स्टोरी सुनाते बताएंगे ना इनको वो वाली स्टोरी। अभी गाइस पता क्या हुआ, ये ना वो सैलून के दरवाजे से बाहर निकल रही थी, इसको दरवाज़ा नहीं दिखाओ बिल्कुल ग्लास का था, सीधी जाके तो दरवाजे से टकराई थी टू वो अभी सैलून वाली दीदी अभी हंस रही थी, सो मैनी कमेंट्स। तो बात कुछ ऐसी है कि सीयू में चल रहे हैं प्रोटेस्ट्स, कुछ वीडियोस वायरल हो गई थी, किसी लड़की ने की थी, बाकी लड़कियों की वॉशरूम से नहाते समय ये सब कर दी थी, और कुछ लड़कियां इस वजह से सुसाइड, और कुछ एक दो लड़कियों की बात नहीं है, ये करीब 50-60 लड़कियां हैं ना जिनकी वीडियो वायरल हुई है, 60 लड़कियां, और वो एक लड़की ही थी, वो अभी मतलब अभी कल या आज ही पता चला है कि वो कौन थी जिसने ये सब वायरल किया, तो उस वजह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इस कारण शायद हम भी कल कॉलेज ना जाएँ, तो यही सीन है। तो हम पहुंच गए रूम, कहाँ है भाई सफाई? इसको सफाई बोलते हैं। है? सफाई है? हाँ, बाकी आपका सामान है सारे यहाँ पे। अच्छा, मतलब अपनी अपनी सफाई कर दी, तू अपनी करती रहे ना।
आज के इंसिडेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक गलत कदम हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। वैसे तो हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने, मतलब जिसने भी गार्डियंस ने हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है और सब कुछ गलत हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता यार। देख के ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ है ये CU में हुआ है और कोई एक लड़की है वो बाकी लड़कियों की वीडियो काफ़ी टाइम से मतलब रिकॉर्ड करती थी नहाते समय और फिर वायरल करती आ रही, पर अभी कल एक दो दिन के अंदर, मतलब पिछले एक दो दिन में पता चला कि वो कौन लड़की है। तो इस वजह से प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ गई कि वी वांट जस्टिस एंड ऑल। हमें देखो सबको भेजा है कॉलेज पढ़ने के लिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब ओपन लाइफ है हमारी, हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं भी घूम रही हूँ, ये भी घूम रही है, हम लोग सब घूम रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आज़ादी का, अपने मतलब एक्सपोजर का गलत फ़ायदा उठाए जो उस लड़की ने उठाया। मतलब वो बहुत गलत किया उसने, ये सब नहीं करना चाहिए था। आई टोटली एग्री कि जो 50-60 लड़कियाँ हैं जिनकी वीडियो बनी है उन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, सही में मिलना चाहिए, क्योंकि सही में बहुत गलत हुआ है उनके साथ। बात ऐसी है ना, हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हम किसको दोस्त बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हमारे आसपास कौन चल रहा है, जब हम वॉशरूम जा रहे हैं तो कॉन्शियस रहना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब डर डर के जियो, जीना ही छोड़ दो, पर हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस अपने आप होना है हम लोगों को कि अब यहाँ पे हम कहीं जा रहे हैं, कैब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस रहो, क्योंकि हमें नहीं पता यार हम कैसे और सामने वाला कैसा है, किसी पर कैसे भरोसा करना है। स्पेशली हम लोग तो अभी नए हैं यहाँ पर, मैं भी नहीं आई हूँ यहाँ पर। अगर आप अपने घर से दूर हो और बाहर रह रहे हो, पेरेंट्स से दूर हो, यहाँ पे अपना कोई नहीं है, पीजी में हो, हॉस्टल में हो, तो आप लोगों को स्पेशल ज़्यादा अलर्ट रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ईजीली किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, आप किसके साथ घूम रहे हो, कौन आपका फ्रेंड है, क्या हो रहा है। और यही वॉशरूम्स वगैरह जाते हो तो आसपास चेक कर लिया करो, चेंजिंग रूम एंड ऑल। मैं नहीं बोल रही कि हर कोई ऐसा होता है, पर बात वही आ जाती है ना कि सब ठीक भी नहीं है, अगर सब गलत नहीं है तो सब ठीक भी नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है कभी ना कभी। नेवर नो कि एक दोस्त के पीछे कौन छुपा हुआ है, तुझे नहीं बोल रही बच्चा। जस्ट किडिंग, मतलब ये भी नहीं है कि अपने दोस्त पे पूरा पूरा शक करो, पर अगर थोड़ा सा भी सस्पिशियस, ये बात है कि जब भी आप हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहो कि आसपास चला क्या है क्या नहीं चला। बिल्कुल डेडली किसी पे भरोसा तो करना ही नहीं है, किसी पे नहीं करना है। और यही है कि यार सेफ रहो, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अब कई चीज़ें हैं जो हम लोग अब सेफ्टी के साथ भी मतलब नहीं रोक सकते, हो जाता है, तो वही है अलर्ट रहना, यही हमारा है। और जो करते हैं ये सब मत करो यार, क्या मिल रहा है करके। मतलब मैं सच में होप करती हूँ कि उन लड़कियों को जस्टिस मिले, मैं सच में खुद से दिल से चाहती हूँ उन लोगों को जस्टिस मिले। और CU डिपार्टमेंट जो भी है, आप लोग से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि इनको जस्टिस मिलनी चाहिए यार, और जस्टिस मिलनी चाहिए। हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, जाके कहीं जा नहीं रहे हैं, पर मेरे पास एक मीडियम था बोलने का तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे आज बोल लिया जाए। मैंने पहले भी बोला आज का कंटेंट ये नहीं था, पर मेरा मन किया कि मैं बोलूँ यार ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये सब कुछ कर रहा है यार, कुछ नहीं मिल रहा कोई करके, मत करो ये। और आई रियली होप फॉर द बेस्ट कि उनको लीगल एक्शन दिया जाए उसके ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि कॉलेज गलत है, CU गलत है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है। हम एक लड़की या फिर एक स्टूडेंट की गलती की वजह से पूरे कॉलेज को जज नहीं कर सकते। तो यही है कि हम लोग जस्टिस के लिए मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, तो हम कॉलेज को बुरा ना बोलें। हम लोग बोले बुरा तो कल्प्रिट को बोले, हम लोगों को चाहिए जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, बट वी आर नॉट ब्लेमिंग द कॉलेज फॉर इट। बट अगर कॉलेज साथ नहीं दे रहा है तो फिर वो बात गलत हो जाती है। पर जहाँ तक की बात है, वी कांट लाइक टोटली ब्लेम द कॉलेज, क्योंकि कॉलेज की गलती है ही नहीं इसमें। अब सारे इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट हो गए, प्राइवेट हो गए, हम किसी को जज नहीं कर सकते उसके अंदर, जो हम ही हैं, हम स्टूडेंट्स तो हम ही हैं वहाँ पे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो यार पूरे कॉलेज का नाम खराब हो जाता है। तो कॉलेज को वही है कि कॉलेज का नाम मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ कि कॉलेज ख़राब है या कुछ ऐसा है, कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, पर वही है ना, एक छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता है। और ये इंसिडेंट के बारे में मैंने ये भी सुना कि काफ़ी टाइम तक टीचर्स वार्डन्स को भी नहीं पता था अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ स्टूडेंट्स तक बातें थी। तो वही बात है, कॉलेज में तो इतना शायद पता भी नहीं था, तो फिर यही है कि हम कॉलेज को नहीं बोल सकते, बोलना है तो को ही बोल रहे हैं। और आई होप कि उन लड़कियों को जस्टिस मिले और जो भी ये सब गलत हो रहा है यार, ये और आगे ना हो। लड़कियां जिनकी वीडियो बनी है उनको बिल्कुल मतलब बॉडी शेमिंग सब मत करो यार, बिकॉज उनकी तो कुछ गलती ही नहीं है इसमें। एंड आई एम टोटली इन योर सपोर्ट गर्ल्स, जो आप लोगों के साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बट यू
आप लोगों को मतलब इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है गर्ल्स, आप लोग बहुत बड़े बड़े डिसीजन सुसाइड पैनिक अटैक से सब भी सुनने को, और आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस, पर अगर ये सब हो रहा है तो ये मत करो यार, आप लोगों की गलती नहीं है। जो मतलब एक ऑडियंस है ना, लोग देख रहे हैं, जो लोग असली में है, जेन्युइन है, जिनके यहाँ थोड़ा सा दिमाग है, उनको पता है कि ये चीज़ आपकी गलती नहीं है, ये गलती सिर्फ उसी इंसान की जो बना रहा है, जो भेज रहा है, जो वायरल कर रहा है। तो आप लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है, यू नीड नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, इट इज़ नॉट एट ऑल योर फॉल्ट। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आई होप कि उन लड़कियों को जस्टिस मिले, आई प्रे फॉर योर जस्टिस एंड आई प्रे फॉर योर वेल बींग। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड गुड बाय।